हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू से ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी में एनिमल किंगडम में एस्केहेलमेंथिस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम में प्लैटीहेलमेंथिस तक डिस्कस किया था। तो सबसे पहले एस्केहेलमेंथिस, जिन्हें हम नेमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इन्हें राउंड वर्म या फिर रिंग वर्म कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एनसाइलोस्टोमा, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो जाता है। यूचेरिया की बात करें तो इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में फाइलेरिया नाम का रोग होता है। एस्केरिस, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और इसकी वजह से एस्केरिसिस नाम का रोग होता है। जबकि रबडाइटिस की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम एस्केहेलमेंथिस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो जो एस्केहेलमेंथिस होते हैं वो एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि अपने फूड को ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। बॉडी की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर की होती है, यानी कि सेल्स तीन लेयर्स में होती हैं। बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, इसलिए इन्हें सूडो कॉलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। डाइजेशन की बात करें, यह माउथ से लेकर पैरिंग्स, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन और पोस्टीरियर एनस में कंप्लीट होता है। इनमें सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है, जबकि नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये यूजुअली पैरासाइटिक वर्म होते हैं और इनकी वजह से एल्फेंटाइसिस नाम का रोग होता है, जिसे हम फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एस्केरिस, जो एक राउंड वर्म है और मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, इसकी वजह से एस्केराइसिस नाम का रोग होता है। जबकि वूचेरिया, जो कि एक फाइलेरिया वर्म है, इसकी वजह से मनुष्य में फाइलेरिया नाम का रोग होता है। नेक्स्ट एनेलिडा के बारे में डिस्कस करेंगे। एनेलिडा की बात करें तो पिक्चर्स में कुछ एनेलिडा को दिखाया गया है, जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिसिस के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एनेलिडा की बात करें तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर यानी कि सेल तीन लेयर्स में होती है, और ट्रूली सिलोमेट्स यानी कि जो इनकी बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइंड होती है। इसके अलावा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और इनमें जो इनका नेचर होता है वो पैरासाइटिक और कॉमेंसल होता है। इनकी बॉडी सेगमेंटल मैनर में डिफ्रेंशिएट होती है, और जो सेगमेंट होता है वो हेड टू टेल लाइंड अप होता है, और इन्हें ट्रू वर्म्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वेल डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, वो किडनी होती है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है। इनमें लोक्यूमेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि स्किन से एम्बेडेड होते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो क्लोज होता है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। रेस्पायरेशन की बात करें तो मॉइस्ट स्किन, गिल्स और हेड के द्वारा श्वसन क्रिया इनमें होती है। नेक्स्ट हम एनेलिडा के कुछ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, जैसे नेरिस हो गया, नेरिस को हम क्लैम वर्म के साथ साथ रेग वर्म भी कहते हैं। इसके अलावा एप्रोडाइट की बात करें, इसे समुद्री चूहा कहा जाता है। अर्थ वर्म यानी कि केचुआ, जिसे पृथ्वी की आंत या फिर किसान का मित्र या पैरामीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है। इसके अलावा लीचेज यानी कि जोंक, जिसे ब्लड सकर कहा जाता है, एनालिडास के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम ऑर्थ्रोपोडास के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिक्चर में कुछ ऑर्थ्रोपोडास को दिखाया गया है, तो ऑर्थ्रोपोडास की बात करें तो इनकी बॉडी बाइलेटरली ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेगमेंटेड होती है। इनको एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। डाइजेशन की बात करें तो वह माउथ और एनस में कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एक्वेटिक होते हैं उनका गिल्स के थ्रू, जबकि जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनका ट्रेकिया या फिर बुक लंग्स के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, और ब्लड वेसल से फ्लो नहीं करता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें तो ग्रीन ग्लैंड या माल्फिग्नियन ट्यूबुलस इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग डोर्सल ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। इसके अलावा जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो आईज होता है, और स्टेटोसिस्ट हो गया, टेस्ट और साउंड रिसेप्टर होता है।
सेक्स की बात करें तो सेपरेट होता है और डाइसियस नेचर का होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल की बात करें तो आर्थ्रोपोडास के इंसेक्ट की जो इंसेक्ट होते हैं वो गए एपिस हो गया, बॉम्बिक्स हो गया, ल्यूसीफर हो गया। वेक्टर्स की बात करें तो एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज। ग्रिगेरियस की बात करें तो लोकस्टा हो गया और लिविंग फॉसिल हो गया ल्यूमिलस। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रेकिया होता है। इसके अलावा कॉकरोच के लार्वे को मैगोट के नाम से जाना जाता है। और एंट की बात करें तो ये अपने चारों ओर कंपाउंड आइज की प्रेजेंस होने की वजह से देख पाता है। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल किंगडम के अदर फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।